हेलो गाइस, मैं सरोज भाटिया फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए लाइव ट्रेडिंग। अभी मार्केट जस्ट लाइव ट्रेड हो रहा है और मैंने कुछ ट्रेड लिए तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने आज एक्चुअली आज हॉलीडे है तो मैं फ्री हूँ, तो इसीलिए मैं आज ना आपको लाइव वीडियो बना के बता रहा हूँ। पहले मैं अपनी ट्रेड की बात कर लेता हूँ। ये मेरा ट्रेड है और वन सेकेंड पिक पिन, यस ये मेरे ट्रेड है और ये मेरा नेट टू नेट अभी 4000 का प्रॉफिट हुआ। अभी मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ओवर ट्रेड हो चुके हैं, अभी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं देखूँगा एक 0 to 0 लास्ट में अगर मोमेंटम रहा पी की साइड में, स्पेशली पी अगर मार्केट नीचे गिरता है तभी मैं बाई करूँगा, नहीं तो नहीं करने वाला, नहीं तो मैं ट्रेड 0 to 0 नहीं लूँगा। और देखो ना आप, यही होता ना, आप लॉसेस देखो, पहले लॉस देखो 850 रुपीज़, 990 रुपीज़, मीन्स मेरे जो लॉसेस है ना वो 1000 के कम है, राइट, आज के ट्रेड में। और प्रॉफिट देखिए 1500, 3000, मैंने दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी बनाई है। ये मैंने कॉल सी की साइड में लिया था मैंने, और ये मैंने पी की साइड में लिया था, फ्यूचर शॉर्ट किया था मैंने, निफ्टी शॉर्ट किया था। तो यही होता ना, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देगा ना वहाँ पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। मैंने जब मार्केट ऊपर जा रहा था तभी भी मैंने पैसा बनाया, जब मार्केट नीचे जा रहा था तब भी पैसा, नीचे के टाइम पे ज़्यादा, क्योंकि मेरा फेवरेट है जब मार्केट गिरता है तो मुझे गिरना ही पसंद है मार्केट, और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये ऊपर का पैसा है, ठीक है। तो ये मेरे आज के ट्रेड है, और भी ट्रेड अगर मुझे दिखेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, लेकिन मेरा ये आज का हो गया है क्योंकि मार्केट अभी साइड पे चल रहा है। मैं थोड़ा आपको चार्ट दिखा दूँगा, तो आज का ये नेट टू नेट एक बार मैं आप रिफ्रेश करता हूँ, आप लोग बोलते हो रिफ्रेश नहीं करते, तो एक सेकेंड तो आप रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये मेरा पोजीशन, ये देखिए ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री, आप देख लो, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि फेक है ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि फेक है फेक है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश करके देख लो फिर से। तो मैं चलो ट्रेड की बात करता हूँ। ये देखो ये आ गया, जस्ट मैं आपको बस बताने वाला था कि अगर ये क्रॉस करता है तो फिर मार्केट नीचे, देखो बहुत तेज़ नीचे आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ना मैं अब मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, बस वीडियो बनाने के चक्कर में, यही होता ना फोकस आपको करना पड़ता है। अभी देखो इतना अच्छा मार्केट, ये आया, ये पुल बैक दिया, फिर ये नीचे की तरफ, ये स्विंग ब्रेक किया, इसलिए मैंने मार किया था कि जैसे अगर ये ब्रेक होता है ये लेवल तो मैं फिर से ट्रेड लूँगा, बट मुझे बताने बताने में देखो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मिस हो गई है। अभी ना फ्रेक ब्रेकआउट हुआ है तो ना मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके यहाँ पे आ जाएगा मार्केट। अभी आपको मैं चलो दिखाता हूँ मैं आने वाले टाइम में ट्रेड क्या होता है। ये देखो मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट रिवर्स आ रहा। अब नीचे से ना एक ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ पे आगे कहीं अगर थोड़ा और साइडवे जाता है, फिर अगर ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो फिर ये फिर आ जाएगा 47,500, यहाँ पे आ जाएगा फिर सपोर्ट करने के लिए। अगर सपोज मार्केट फिर यहीं से रिवर्स जाएगा देखो, तो फिर ना फिर ये नीचे की साइड पे भी फंसा देगा लोगों को, फिर मार्केट यहाँ पे जाके साइडवे हो जाएगा आज। लेकिन अब ये नीचे फेक ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ, अब मुझे लगता है ना नेक्स्ट टारगेट 47,500, ये यहाँ पर आना चाहिए मार्केट, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर सपोज़ यहाँ से फिर रिवर्स होता ना, फिर मार्केट आ साइड पे, तो फिर आप ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं, तो 0 to 0 हम ट्रेड नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमें तभी मिलेगी जब यहाँ पे फिर से ना ये कैंडल सस्टेन करने लगे, यहाँ पे सस्टेन करने लें, ब्रेकआउट दो, रीटेस्ट ले, फिर नीचे आ जाए। मीन्स अगर एक पुल बैक भी आता ना, नीचे आया एक पुल बैक, ऐसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ओके यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर पुल बैक गया फिर नीचे आने लगा मार्केट। अब यहाँ से थोड़ा सस्टेन करें, फिर ब्रेकआउट दे दे, फिर पुल बैक दे के फिर नीचे आए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 47,500। अगर फिर से ये मार्केट अगर ऊपर से ऊपर यहाँ से रिवर्स होने लगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर रिवर्स होने लगा, फिर तो आज साइडवे है, साइडवे है। और देखो अगर ऊपर साइडवे भी जा रहा ना, तो ये लेवल यहाँ यहाँ के बीच में जाना चाहिए, फिर से यहाँ में रेंज बनाना चाहिए, और 2:30 के 3 बजे के बाद अगर सपोज़ यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारा टारगेट 47,900, 800, आलमोस्ट 100 और 200 पॉइंट का एक रैली फिर से मिलेगा 2 बजे के बाद, अगर फिर से मार्केट यहाँ पे जाके
फिर से रेंज बनाता है तो। लेकिन अब इतना बड़ा कैंडल बना रही है ये इतना बड़ा बनाया है, बस दिक्कत क्या है इसमें भी कंटिन्यू रेड थ्री कैंडल बना चुके हैं। जब कंटिन्यू रेड आप बनता है ना, तो एक पुल बैक आ जाता है फिर डाउन की तरफ। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन कैंडल ग्रीन बनाया, फिर एक डाउन की तरफ लिया, डाउन आया, फिर यहाँ से फिर साइड वे होकर जाके ब्रेकआउट दे रहा है। तो ऐसे सेम है, अगर तीन कैंडल बनाया चौथा, फिर कम चांसेस है कि फिर चौथा भी ऐसा बनाया। फिर अभी क्या करेगा, थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बनाएगा, या सपोज चौथा रेड बनाता है तो पांचवा ग्रीन बनाएगा। फिर अगर ब्रेकआउट वो ग्रीन के नीचे अगर आता है, फिर से हम एक ट्रेड लेंगे और 47,500। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रेड लेना है, फिर से मैं आऊँगा ट्रेड करूँगा मैं खुद पर्सनली। यहाँ पे भी निफ्टी में भी देख लो आप, 50 मिनट का चार्ट है। देखो मार्केट अपने आप को होल्ड किया और एक फेक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर नहीं हुई और फिर अब ये डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। लोअर लो अभी फॉर्म करना चालू कर दिया निफ्टी। निफ्टी देखो दो कैंडल बनाए, ग्रीन बनाया रेड। अब सपोज फिर यहीं से ग्रीन बना के रेड बनाएगा ना, फिर ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट भी आ जाएगा 21,400 के पास में। तो देखते हैं यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, मैं आपको अपडेट करूँगा। फिर से मैं 3 3 बजे का ट्रेड करूँगा मैं, अगर मार्केट जैसा मैंने कंडीशन बताया अगर वैसा फॉलोअप करता है सेटअप, तो ट्रेड करूँगा मैं। और फिर से एक बार मेरे ट्रेड देख लीजिए। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्रोम के जरिए। अच्छा यहाँ पे खुल गया, नहीं ये तो क्रोम नहीं था। अच्छा मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है गाइस। ओके मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ट्रेड। ये देखिए मेरी पोजीशन, रिफ्रेश कर देता हूँ वन मोर टाइम। ये मेरी नेट टू नेट 4,200 का प्रॉफिट है। ओके और ये मैंने 5 ट्रेड लिए, अभी देखूंगा अगर 0 to 0 रहा, अगर ट्रेड जैसे मैंने बताया है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा लास्ट टाइम। ओके फिर देखूंगा, होल्ड करूँगा। एटलीस्ट मुझे 50% ROI चाहिए उस ट्रेड में, 50 to 100। ओके तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बस आप देखते रहो मार्केट। थैंक यू।